हालांकि हाइनास भी एक्सपर्ट हंटर्स होते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज उठाने से भी नहीं चूकते। ये अपने पावरफुल जॉज से एनिमल की थिक स्किन को चीर कर बोन्स को आसानी से चबा लेते हैं। सवाना में लाइफ और डेथ के साइकिल को पूरा करने के लिए दोनों ही स्पीशीज को अपनी बड़ी फैमिलीज का पेट भरना होता है और बाकी एनिमल्स इनके बचे खुचे खाने पर पलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड स्कैवेंजर्स जो आपको कभी कभी सरप्राइज भी करते हैं, दरअसल लायंस और हाइनास की मेहनत पर ही जिंदा रहते हैं। अफ्रीका की फूड चेन में सबसे ऊपर है किंग ऑफ बीस्ट्स लायन। ये एक्सपर्ट प्रेडेटर्स पावरफुल हैं और डेंजरस भी। ये अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल्स का शिकार करते हैं और दूसरे कार्निवोर्स को डोमिनेट करते हैं, जिससे इन्हें भर पेट खाना मिले और ये जिंदा रहे। जब कोई लायनेस शिकार करने निकली हो तो उसकी कुछ चीजें बहुत इंप्रेसिव होती हैं। ये अपने टारगेट का छिप कर पीछा करती है। और नजदीक पहुंचकर अटैक करती है। ग्रुप के दूसरे मेंबर के पहुंच जाने का मतलब है जीब्रा की मौत। दुनिया भर में लायंस एक रॉयल एनिमल के तौर पर फेमस हैं और पूरे सवाना में इनके बड़े बड़े ग्रुप्स क्लोज निट फैमिलीज के तौर पर मौजूद हैं। लायन को इज्जत दी जाती है, लेकिन हाइनास का मजाक उड़ाया जाता है। इन ऑपर्चुनिस्ट एक्सपर्ट एनिमल्स को अफ्रीकन जंगल का जोकर कहा जाता है। बहुत से लोगों ने इन्हें सनकी और मीन कहा है और इनकी रेपुटेशन बहुत खराब है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये स्कैवेंजर्स नहीं बल्कि एक्सपर्ट हंटर्स हैं और 95% शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं। लायंस की तरह ही हाइनास भी सोशल और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन इनमें मौके का फायदा उठाने की जो क्वालिटी है वो दूसरे एनिमल्स में नहीं है और यही क्वालिटी इन्हें स्पेशल बनाती है। हाइनास और लायंस के बीच अगर कंपटीशन है तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं। इनके शिकार बने ये एनिमल्स न सिर्फ ग्रुप का पेट भरते हैं बल्कि दूसरे छोटे बड़े बाकी एनिमल्स की लाइफ भी इन्हीं पर टिकी होती है। इन स्कैवेंजर्स की लाइफ दो एक्सपर्ट प्रेडेटर्स पर ही पूरी तरह से डिपेंड करती है और ये बचा खुचा खाकर ही अपना पेट भरते हैं।
लायंस का ग्रुप दोपहर में आराम करता है और इस दौरान इन्हें खेलने और आपस में घुलने मिलने का बहुत वक्त मिलता है। बड़ों की निगरानी में ग्रुप के बच्चों का बचपन अच्छा बीतता है। ये जब तक करीब 16 महीने के नहीं हो जाते, इन्हें अपनी सेफ्टी और खाने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इनकी मां की जिंदगी इसी ग्रुप में अपनी फीमेल रिलेटिव्स के साथ बीती है और बच्चों को बड़ा करने में उसे अपनी सिस्टर्स से हेल्प मिलेगी। कम उम्र के बच्चों को बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप की सभी लायनेसेस की होती है और ये एक दूसरे के बच्चों को दूध पिलाकर इसे पूरा करती है। हालांकि इनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, लेकिन ग्रुप के अंदर बच्चों के पैदा होने में एक सिंक्रोनाइजेशन जरूर होता है। लायनेसेस एक बार में 1 से 4 तक बच्चे देती हैं। 1 साथ पैदा हुए सभी बच्चे एक ही साइज के होते हैं, जिससे पेट भरने के लिए उनमें कोई फाइट नहीं होती और जिंदा रहने के लिए सबको एक जैसे चांस मिलते हैं। हालांकि बच्चे 2 महीने के होते ही मीट खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मां का दूध वो 6 महीने के हो जाने के बाद ही छोड़ते हैं। स्पॉटेड हाइना के बच्चों की लाइफ बहुत अलग होती है। ये फीमेल ऐसे ग्रुप में रहती है जहां फीमेल्स की रैंक्स मेल से ऊपर है। बच्चे की मां का वेट लगभग 70 किलोग्राम्स है और ये किसी भी मेल से 10 किलोग्राम्स तक ज्यादा है। ये बच्चे मौका मिलते ही बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। हाइना के ग्रुप जब शिकार पर जाते हैं तो इनके बच्चों के पास देख रेख के लिए कोई नहीं होता, इसलिए ये उन्हें जमीन के अंदर छुपी डेंस में छोड़ जाते हैं। जन्म के वक्त ही बच्चों के वेल डेवलप्ड दांत हैं, लेकिन अभी ये बच्चा सिर्फ मां के दूध पर है और 9 महीने का होने तक ऐसे ही रहेगा। ये बहुत असरदार फॉर्मूला है। सभी टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स में हाइना के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन लायन प्राइड से उलट हाइनाज को अपने बच्चों को दूध पिलाने या उन्हें बड़ा करने में ग्रुप की मदद नहीं मिलती। बच्चे सिंक्रोनाइज्ड ब्रीडिंग में पैदा नहीं होते, इसलिए हाइना के ग्रुप्स में अलग अलग एज के बच्चे होते हैं और इसीलिए एक बच्चे के कई कजन्स होते हैं जो उससे एज में बड़े होते हैं। इन यंग हाइनाज की पूरी स्किन पर अब स्पॉट्स उभर आए हैं, बस पैरों की स्किन काली है और अब ये इतने बड़े हैं कि खाना ढूंढने ग्रुप के साथ जा सकते हैं। फीमेल्स पूरी लाइफ एक ही ग्रुप में रहती हैं, लेकिन मेल्स को 1 या 2 साल में ब्रीडिंग करने लायक होने पर ग्रुप छोड़ना पड़ेगा।
और मेटिंग करने के लिए पार्टनर को ढूंढने दूसरे ग्रुप्स के पास जाना होगा। लायन की फीमेल कब्ज सारी जिंदगी इसी ग्रुप में रहेंगी, लेकिन मेल हाइनाज की तरह ही इनके भाइयों को 3 साल की उम्र में अपने लिए नया ग्रुप ढूंढना होगा। कंट्रोल करने के लिए इन्हें दूसरे मेल्स के साथ लड़ना होगा। ग्रुप्स पर कंट्रोल करने की फाइट के रिजल्ट्स बहुत भयानक हो सकते हैं। फीमेल्स मेटिंग के लिए तैयार हों, इसके लिए बाहर से आए मेल्स ग्रुप के बच्चों को मार डालेंगे। अगर फीमेल्स लड़ाई जीतने में ग्रुप के मेल्स की मदद करती है और दूसरे मेल को हावी नहीं होने देती, तभी बच्चे जिंदा बच सकते हैं। लायन के बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा वो बड़े मेल्स हैं जो उनके ग्रुप को अपनी पावर से कंट्रोल कर लेते हैं। पूरे सवाना में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा शानदार एनिमल्स को कभी कभी अपनी ही स्पीशीज से खतरा होता है। मेल राइनो एरिया के लिए होने वाली लड़ाई में अपने बड़े हॉर्न्स को यूज करते हैं और ये फाइट जानलेवा भी हो सकती है। ये मेल पीछा करते अपोनेंट से बचकर भाग नहीं पाया। स्किन पर लगे निशान बता रहे हैं कि इस पर सींगों से बार बार अटैक हुआ है और आखिर में एक बहुत ही जोरदार अटैक ने इसके फोरलेग की स्किन को चीर दिया। सभी एनिमल्स की तरह सवाना के जायंट्स भी आखिर में मरते ही हैं और ऐसे मौके पर स्पॉटेड हाइनाज अपनी सभी क्वालिटीज को पूरी तरह से यूज करते हैं। स्मेल करने और सुनने की अच्छी सेंस का मतलब है मरने वाले के पास सबसे पहले पहुंचना। एक यंग मेल बड़ी होशियारी से आगे बढ़ता है। खाना सामने है, लेकिन ये जगह डेंजरस है। लायंस भी दूर से स्मेल कर लेते हैं और वो ऐसा खाना भी छोड़ते नहीं है, लेकिन रास्ता साफ है। ग्रुप के दूसरे मेंबर्स भी फौरन आ जाते हैं। दो फीमेल्स ने कॉन्फिडेंस और खुशी में अपनी टेल्स को ऊपर उठा रखा है और ये राइनो की थिक स्किन के अंदर जल्दी से अपना मुंह घुसा लेती हैं। हायर रैंक्स का मतलब है पहले नंबर पर सबसे बढ़िया खाना।
यंग मेल अपनी बारी का वेट करते हुए इधर उधर बिखरे टुकड़ों को खाते रहते हैं। हाइनाज अपने कानेसियल्स यानी चेक टीथ से टफ स्किन को भी चीर लेते हैं और राइनोस की स्किन सभी एनिमल्स में सबसे ज्यादा टफ होती है। स्किन को चीरने के बाद आखिर इन्हें अंदर का फैटी फ्लैश मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हाइनाज की मेहनत पर किसी की नजर नहीं जाती। कुछ एनिमल्स की लाइफ लायंस और हाइनास से बचने में बीतती है और कुछ की उन्हें ढूंढने में। शिकार तक पहुंचने की उम्मीद में वल्चर्स हाइनास का पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी टर्न का इंतजार तो करना ही होगा और उस मेल हाइना को भी जिसे कार्कस सबसे पहले मिला। यह फैमिली से बाहर का है, इसने तकरीबन 3 साल में अपना ग्रुप छोड़ दिया था। बहुत लंबी जांच परख के बाद आखिर में उसे ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन एक मेल होने के नाते इसका रैंक सभी अडल्ट फीमेल से कम है। और क्योंकि यह इस ग्रुप में पैदा नहीं हुआ है, इसलिए यह बाकी सभी मेल से भी कम रैंक पर है। बस खाने के लिए ललचाते इन वल्चर्स से इसका रैंक ऊंचा है। इसने भी खाने को ढूंढने में बहुत मेहनत की है, लेकिन ये फीमेल्स के सामने मरे हुए एनिमल पर प्राइम प्लेस के लिए चैलेंज करने के मूड में नहीं है। ये फैमिली बहुत लकी है कि इसे राइनो का कार्कस मिल गया है। इससे कई दिन तक इनका पेट भरा रहेगा। 1 टन से ज्यादा वेट वाला यह जायंट हर्बीवोर सवाना के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर एनिमल्स के उस ग्रुप का मेंबर है जिसे शिकार बन जाने का कोई खतरा नहीं होता। इस हैवी वेट वाले ग्रुप में है राइनोज, हिप्पोज, और सबसे बड़े लैंड एनिमल्स अफ्रीकन एलिफेंट्स। पांच टन के इस एलिफेंट को न शिकार होने का खतरा था और न सेफ्टी की फिक्र, लेकिन इसका भारी भरकम साइज इसे ओल्ड एज से नहीं बचा पाया। सबसे पहले लायंस के ग्रुप ने पेट भरा और फिर हाइनाज की बारी आई। अब जो बचा है उससे बाकी सब अपना पेट भरेंगे। एक ब्लैक बैक्ड जैकल इस साइज के कार्कस के पास तभी आता है जब लायंस और हाइनाज उसकी चीर फाड़ कर चुके होते हैं। हालांकि जैकल्स खुद अपने लिए शिकार करते हैं, लेकिन तैयार खाने का फायदा उठाने से कभी नहीं चूकते, और यहां तो उन्हें फ्री का खाना मिल ही रहा है। जैकल्स एक ही फीमेल के साथ ब्रीडिंग पेयर्स बनाते हैं और इनका सोशल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन जहां खाना मिलता है वहां इनकी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एलिफेंट का कार्कस सूख गया है, लेकिन अभी भी इसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। हालांकि एलिफेंट की इस भारी भरकम बॉडी ने इसे शिकार नहीं बनने दिया, लेकिन 1 टन से कम वेट वाले हर एनिमल को सवाना के शिकारियों का खतरा हमेशा रहता है, और लायन से ज्यादा डेंजरस हंटर और कोई नहीं है। ग्रुप की एक लायनेस ने एक वॉटहॉग को मारा है
और 2 महीने बड़े ये बच्चे पहली बार मीट को टेस्ट कर रहे हैं। लायंस का छोड़ा हुआ खाना 2 तरह का होता है, एक जिसका ये खुद शिकार करते हैं जैसे कि ये वॉटहॉग, और दूसरा मिले हुए कार्कसेस जैसे कि ये एलिफेंट। सवाना के आधे से ज्यादा प्रेडेटर्स के खाने में वॉटहॉग जैसे वेट के एनिमल्स ही होते हैं। लायंस छोटे मोटे स्नैक्स के लिए इनका शिकार कर सकते हैं, लेकिन इनके पास इस बफलो जैसे बड़े एनिमल पर ताकत और तालमेल के साथ अटैक करने की एबिलिटी होती है। कुछ ग्रुप्स को 70% खाना जीब्रा, जिराफ और बफलो जैसे 300 किलोग्राम से भी ज्यादा वेट वाले एनिमल से ही मिलता है। फीमेल्स के मुकाबले भारी भरकम मेल्स स्लो होते हैं और अक्सर फुर्तीले एनिमल्स के शिकार में शामिल नहीं होते। ये लेजी एनिमल फ्री में अपना पेट भरते हैं। तकरीबन 800 किलोग्राम वेट के बफलो को मार गिराने के लिए जबरदस्त ताकत का होना जरूरी है। सवाना में जितने बफलो मरते हैं उनमें से ज्यादातर का शिकार मेल लायंस ही करते हैं। ये अकेला इस बफलो को पूरा खत्म नहीं कर सकता, इसलिए ग्रुप की लायनेसेस अब अपना हिस्सा लेने आ गई है। एक फैमिली एक इम्पाला को एक ही बार में साफ कर सकती है, लेकिन एक बड़े बफलो को खत्म करने में टाइम लगता है। शाम होते ही जैकल्स बाहर निकलने लगते हैं। मेल और फीमेल खाना खाने अलग अलग जाते हैं, लेकिन हॉन्टिंग कॉल्स से एक दूसरे का पता लेते रहते हैं। इन्हें पता है कि लायंस को रात में शिकार करने का बहुत फायदा मिलता है, और अंधेरा होते ही इन्हें पेट भरने के लिए शिकार बने एनिमल्स मिल सकते हैं। आज लक इनके साथ है। भर पेट खा लेने के बाद ग्रुप बफलो के कार्कस को छोड़ के चला गया है, और अब मेल जैकल इसकी दावत उड़ाएगा।
और ये अकेला नहीं है। ये बाद में आने वाले को पहचानता नहीं है, ये तो एक पड़ोसी है। उसने कम से कम 1 किलोमीटर दूर से कारकस को स्मेल कर लिया और उसी को सूंघते सूंघते यहां तक आ गया। कारकस इतना बड़ा है, फिर भी पहले वाला मेल शेयर करने के मूड में नहीं है। एक जैकल जितना खाना खा सकता है, यहां उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन अफ्रीकन सवाना में किसी चीज का कोई भरोसा नहीं, इसलिए इन्हें हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। पेट भर जाने के बाद ये मीट के पीसेस को अगली बार खाने के लिए छुपा देगा, लेकिन इसे फुर्ती दिखानी होगी। कारकस पर जिसका हक है वो ग्रुप को आवाज देके बुला रहा है। ये बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है। लायंस ने फिर से कारकस पर कब्जा कर लिया है। हाइना से अलग लायंस के ग्रुप में खाने पर मैच्योर मेल्स का हक रहता है, लेकिन यहां ग्रुप के बड़े मेल का पेट अभी भी भरा हुआ है, जिससे फीमेल्स और बच्चों को आराम से खाना खाने का चांस मिल गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर प्रेडेटर्स ने जो ट्रिक्स चली, सुबह होते ही वो सब सामने आ गई। रात में एक यंग ब्लेसबॉक सफा चट कर लिया गया। लायंस ने कारकस के सबसे अच्छे पार्ट्स को पूरी तरह से खा लिया है। लेकिन जो बचा है वो भी बुरा नहीं है, और बचे खुचे खाने की छानबीन करने के लिए वॉटहॉग्स की एक पूरी फैमिली यहां आ गई है। सिर्फ वॉटहॉग्स ही ऐसे पिग्स हैं जो सवाना या ग्रासलैंड्स में ग्रास और रूट्स को खाते हैं, लेकिन ये कभी कभी कारकस के बचे खुचे टुकड़ों को भी अपने खाने में शामिल कर लेते हैं। पिगलेट्स भूखे कम और हैरान ज्यादा हैं। और ये फौरन ही अपने फेवरेट खाने की तरफ लौट जाते हैं। कोई और दिन होता तो ये वॉटहॉग्स शायद लायन का शिकार बन गए होते, लेकिन आज इन्हें लाइफ को स्कैवेंजर्स की तरह से देखने का चांस मिल गया। पेट भर जाने से पहले लायंस कारकस को नहीं छोड़ते, लेकिन सवाना में लेपर्ड्स और चीता जैसे ऐसे शिकारी भी हैं जो किसी खतरे का एहसास होते ही अपने शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। इससे दूसरे एनिमल्स को बढ़िया चांस मिल जाता है
अगर वो हाइनाज को हरा देते हैं तो। एक लेपर्ड ने इस इंपाला का शिकार किया और छोड़कर भाग गया। अब ये हुडेड वल्चर्स इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। ये वल्चर्स की कई स्पीशीज से साइज में छोटे हैं और उनसे एक घंटे पहले ही खाना खाने निकल पड़ते हैं। इन दोनों के लिए जो जागेगा वो पहले पाएगा वाला केस है। हुडेड वल्चर्स कार्कस पर सबसे पहले पहुंचते हैं, जिससे इन्हें अपने से बड़े और पावरफुल कजन से फाइट नहीं करनी पड़ती। ये मीट के टुकड़ों को खाने के लिए अपनी शार्प स्लेंडर बीक्स को यूज करते हैं और हर रोज 300 ग्राम तक खाना खा लेते हैं। इन्हें दिन के अर्ली स्टार्ट और तेज आईसाइट का फायदा मिल गया है। लेकिन फ्री का खाना बटोरने वाले सिर्फ वल्चर्स ने ही कार्कस तक पहुंचने के लिए हाइनाज और जैकल्स को नहीं हराया। झाड़ियों के नीचे से एक पूरी आर्मी फ्रेश वाटर बग्स वाले कार्कस का फायदा उठाने निकल आती है। डंग बीटल्स डंग बॉल्स बनाने के लिए फेमस है और ये उन्हें मिट्टी में सही जगह दबाने के लिए लुढ़का कर ले जाते हैं। लेकिन ये कार्कस पर भी सबसे पहले पहुंचते हैं, जहां ये उन वाटर बग्स को खाते हैं जिन्होंने एनिमल के स्टमक पार्ट्स को डाइजेस्ट कर लिया है। अलग अलग साइज की कई स्पीशीज कार्कस को खाने आ गई है, लेकिन ये यहां सिर्फ डंग के लिए नहीं आई। कई बीटल्स यहां कार्कस का मीट और फैट भी खाएंगे और जैकल की तरह ही कुछ बीटल्स मीट के टुकड़ों को अपनी बरोज में छुपा देंगे। डंग बीटल्स अपने एंटीने की तरह के सेंस रिसेप्टर्स की वजह से फ्रेश कार्कस पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। यहां इंसेक्ट्स इन्हें घेर लेते हैं। विल्डबीस्ट के इस कार्कस ने लायंस के एक छोटे ग्रुप का और बहुत से बड़े स्कैवेंजर्स का पेट भरा है और अब इस स्टेज पर बहुत तरह के इंसेक्ट्स इसे खा रहे हैं। अब इस कार्कस में स्किन, हेयर और फ्लेश की पतली लेयर बची है और इंसेक्ट्स की आर्मी आखिरी पीस तक को खाने के लिए तैयार है। मैगट्स के लिए ये एक अच्छी नर्सरी है और फ्लाइज यहां अपना पेट भरेंगी और एग्स भी दे देंगी। अलग अलग स्पीशीज के बीटल्स कार्कस के आखिरी पीस तक को खाएंगे। ये हेयर की लेयर्स को छीलकर नीचे के टिश्यू तक पहुंचेंगे और देखते ही देखते कार्कस पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लायंस ने शिकार किया और उससे छोटे बड़े कितने सारे एनिमल्स के लिए खाने का इंतजाम हो गया। जैकल्स, वल्चर्स, वॉटहॉग्स और यहां तक कि बीटल्स तक का फायदा हुआ। लायंस और हाइनास की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज मिली उनका फायदा उठाने के लिए कुछ को रेस लगानी पड़ी, लेकिन दुनिया के सबसे बदनाम स्कैवेंजर्स को खाने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। रोज
राइनो के इस कारकस पर अपनी टर्न का वेट करते हुए भूखे व्हाइट बैक्ड वल्चर्स को पूरा एक दिन हो गया है। एक स्पॉटेड हाइना एक बार में अपने वजन का 1/3 खाना खा सकता है, जिससे उसका पेट एक हफ्ते तक भरा रहेगा। और इन्हें यहां से जाने की कोई जल्दी नहीं है। कभी ये राइनो भारी भरकम था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। हाइनाज ने इसकी हिप बोन को चबा लिया है। इससे उनके जबड़ों और प्रीमोलर्स की स्ट्रेंथ का पता चलता है। अब कारकस पर मीट कम रह गया है, जिससे कंपटीशन भी खत्म हो गया। अल्फा फीमेल के आने से बाकी सब भाग गए। इसका फूला हुआ पेट बता रहा है कि इसने काफी खाना खा लिया है, लेकिन फिर भी ये और खा रही है। पेट भरे होने के बावजूद इसे खाना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये बच्चे देने वाली है। ये जितना ज्यादा खाएगी दूध उतना ही ज्यादा बनेगा और ये जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेगी। इस तरह ये अपने से कम रैंक्स वाली फीमेल से 5 times ज्यादा बच्चों को बड़ा करेगी। लेकिन बच्चों का पेट भरने में इसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, इसलिए ये जरूरी है कि ये खाना खाने की हर अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा फायदा उठाए। भर पेट खा लेने के बाद अल्फा फीमेल और ग्रुप के हाई रैंक वाले मेंबर्स चले जाते हैं। आखिर इस यंग मेल की बारी आ ही गई। बिना टाइम वेस्ट किए ये सीधा शिकार के पास पहुंच जाता है और खाना शुरू कर देता है। अब यहां सिर्फ एक हाइना है। ये देखकर वल्चर्स समझ जाते हैं कि उनका टर्न आ गया। कभी कभी सबसे ज्यादा पावरफुल कार्निवोर्स भी दूसरे स्कैवेंजर्स से डर जाते हैं। लेकिन भूख उन्हें वापस खींच लाती है। इसे अपना खाना ऐसे ही नहीं छोड़ना है। वल्चर्स के पास हाइनाज की तरह के शार्प टीथ नहीं है, इसलिए वो राइनो की स्किन को चीर नहीं पाते। और इसका मतलब है कि इस मेल को कारकस की ओपन साइड से ही खाना होगा। भर पेट खा लेने के बाद वो चला जाता है और कारकस पर वल्चर्स टूट पड़ते हैं। साढ़े 5 kilo भारी व्हाइट बैक्ड वल्चर्स अपने वेट के 5वें हिस्से तक के मीट को 5 minutes से भी कम टाइम में निगल सकते हैं। हाइनाज और जैकल्स अपने लिए शिकार करते हैं, लेकिन वल्चर्स नहीं करते। इनका खाना कारकस ही है। और ग्रीन नेक इमेच्योर वल्चर्स को यह सीखना पड़ेगा कि इस भारी भीड़ में अपना शेयर कैसे ले। लेकिन इन्हें चौकन्ना भी रहना होगा। कभी कभी खाना खाने की धुन में व्हाइट बैक्ड वल्चर्स कारकस के अंदर ही फंस जाते हैं और उनके साथी ही उन्हें जिंदा खाना शुरू कर देते हैं। एक काफी बड़ा
करीब 9.5 किलोग्राम का केप वल्चर भीड़ में घुसता है। एक्साइटमेंट में इसकी गर्दन का रंग लाल हो गया है। नॉर्मली केप वल्चर्स अपने बड़े साइज से व्हाइट बैक्ड वल्चर्स को डराते हैं, लेकिन इस भारी भीड़ में इस बड़े वल्चर को जगह ही नहीं मिल रही। हाइनास ने जो छोड़ा उसे ये सब वल्चर्स मिलकर खत्म कर देंगे। राइनो के कार्कस के खत्म हो जाने के बाद कई वल्चर्स अपने ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से खाना ढूंढेंगे और सवाना के दो एक्सपर्ट कार्निवोर्स का पीछा करेंगे। जब तक खाना नहीं मिलता, पेट भरने के लिए ये सवाना के एक्सपर्ट प्रेडेटर्स पर ही डिपेंड करेंगे। अफ्रीका की फूड चेन में लायंस और हाइनास के ग्रुप्स की जगह सबसे ऊपर है। इन्हें अपने और अपनी फैमिली के लिए खाना जुटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ये ज्यादातर उन बड़े एनिमल्स का शिकार करते हैं जिन्हें कोई दूसरा नहीं मार पाता। इस तरह ये उन एनिमल्स को चांस देते हैं जो फूड चेन में ज्यादा अच्छी जगह पर नहीं है। अफ्रीकन सवाना में एक की डेथ दूसरों को लाइफ देती है। प्रेडेटर्स और प्रे पर डिपेंड रहने वालों के इस साइकिल में दो पावरफुल कार्निवोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और नहीं है। वो ऐसे बड़े खतरनाक एनिमल्स को मारते हैं जिन्हें दूसरे छू भी नहीं सकते। इस तरह ये उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने का रास्ता खोलते हैं जो सिर्फ टाइम के साथ ही मिल सकते हैं। ये सोशल एनिमल्स अपनी फैमिली की बेटरमेंट के लिए जो कर सकते हैं करते हैं।